जय माता दी। मैं आचार्य डॉक्टर राजेश ओझा। वर्तमान समय में हमारे सामने माँ भगवती का नवरात्र आ रहा है और आप जानते हैं ना कि नक्षत्रों में अश्विनी अर्थात भगवान शिव और भरणी माँ दुर्गा। माँ दुर्गा का जब समय आता है तो हमारे संपूर्ण घरों के अंदर, संपूर्ण परिवार के अंदर, बच्चे बच्चे के अंदर एक ही भावना आती है कि माँ जगदम्बा का समय आ चुका है, हमारे घर में माँ का वास आ रहा है और हम माँ के अनुकूल होकर के अपने घर में आनंद की अनुभूति करेंगे। आप जब माँ भगवती की उपासना करते हैं, माँ भगवती की आराधना करते हैं, असाध्य रोग से आपको साध्य की तरफ लेके चलते हैं, साधना में इतनी ताकत होती है कि संपूर्ण संसाधनों को हम पुनः प्राप्त कर लेते हैं। मैं इस नव दुर्गा जो माँ भगवती का चैत्र नवरात्रि आ रहा है इसमें बताना चाहूँगा कि वर्तमान में जैसे महामारी का, पहले जब महामारी का प्रकोप आया था तो माँ शाकुंभरा का उत्पत्ति हुई, माँ शाकुंभरा का प्रादुर्भाव हुआ और उनके आने से संपूर्ण महामारी का समापन हुआ। इस महामारी में जो मंत्र है, ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधाय नमस्तुते, इस मंत्र का यदि हम प्रतिदिन 108 बार इस मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे घर में किसी भी प्रकार से कोई भी असाध्य रोग नहीं आता है। अगर हम इसको भी नहीं कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै नमः, इस मंत्र का जाप करें। अगर ये भी हम नहीं कर सकते हैं तो ओम ह्लीं ओम, ओम ह्लीं ओम, इस मंत्र का यदि हम जाप करते हैं तो हमारे घर में हर तरह से आनंद की वर्षा होगी। जो विद्यार्थी जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है वो केवल ओम ह्लीं ओम का उच्चारण करें, उनका पढ़ने में मन लग जाएगा। जिनको शारीरिक पीड़ाएँ होती हैं, शरीर से जो अत्यधिक रूप से ग्रसित हैं, तो यदि ओम दुंग दुर्गाय नमः का मंत्र का जाप करते हैं तो उनके संपूर्ण शरीर से सारे कष्टों का निवारण होता है। और जिनको संतान नहीं होती है, जिनको संतान के लिए लालायित हैं, संतान नहीं हो रहा है या बार बार गर्भ नष्ट हो जाता है या उनको गर्भ नहीं रुकता है, वैसे तो ओम नंद गोपी गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा ये मंत्र है, अगर इसको भी नहीं कर सकते हैं तो ओम ह्लीं क्लीं चामुंडायै विच्चै नमः, इस मंत्र का यदि वो जाप करते हैं नियमित रूप से और लाल आसन लगा करके करते हैं तो उन्हें हम हर तरह से आसन की और आनंद की आवृत्ति करते हैं। जब लाल आसन पे आप बैठ के माँ भगवती की उपासना करते हैं तो आपके अंतःवाही दोनों करण से हम पवित्र होते हैं, माँ भगवती की कृपा होती है और हमें वंश की प्राप्ति होती है। इस नवरात्रि में यदि आप फलाहार का व्रत करते हैं, प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय माँ भगवती का यदि आप आशीर्वचन रखते हैं और उनकी उपासना करते हैं, गाय के घी का ध्यान रखें, अगर काली गाय या लाल गाय के घी का दीपक आप जलाते हैं और लाल कलावे की बाती से, लाल रंग की बाती अगर जलाते हैं तो आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और आनंद की वर्षा होती है। ऐसे क्रिया करने के बाद जिन बच्चों के विवाह में बार बार दिक्कत आ रही है वो केसर का तिलक लगाएं, लाल आसन पर बैठ करके माँ भगवती की उपासना करें और माता रानी को पीला जो सिंदूर आता है, ऑरेंज कलर का जो सिंदूर आता है, माँ भगवती को 5 बार यदि तिलक लगाते हैं तो उनके पाणी ग्रहण संस्कार में और उनके स्वास्थ्य में और धन धान्य की उनको वृद्धि होने लगती है। जब माँ भगवती की उपासना करें तो पीली कौड़ी रखें या दक्षिणावर्ती शंख रखें, लाल आसन लगा करके यदि वो पूजा करते हैं, माँ की उपासना करते हैं, और दूसरी बात अर्गला किला कवच या सिद्ध कुंज का स्त्रोत का पाठ करते हैं तो उन्हें हर तरह से आनंद की वर्षा प्राप्त होती है। और अगर हम अर्गला किला कवच नहीं कर पाते हैं, हमारे पास समय नहीं है, तो यदि आप सिद्ध कुंज का स्त्रोत का पाठ करेंगे तो उससे भी आपको आनंद की वर्षा प्राप्त होगी। इस नवरात्रि में अगर इन मंत्रों का आप जाप करते हैं तो आपको हर तरह से आनंद की वर्षा प्राप्त होगी। और मंगल कामनाओं के साथ में हम समस्त अपने समस्त भाई बंधुओं, माताओं, बहनों को एवं बच्चों को सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि माँ भगवती का जब समय आए तो आपके घर में जो छोटी कन्याएं हैं उनका आप चरण छूना प्रारंभ कर दें, उनका प्रतिदिन चरण धुलें
और उनको तिलक लगाएं और मिष्ठान ग्रहण कराएंगे तो माँ भगवती 9 दिन के अंदर आपकी संपूर्ण झोली को भर देंगे, उसमें किसी भी प्रकार से कोई संशय नहीं है। अगर इन वाक्यों को आप मानते हैं, ऐसे आप कार्य करते हैं तो आप जाते हैं, माँ भगवती को 9 देवी हैं, प्रथम शैलपुत्री चा, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटे इति कूष्मांडे, चतुर्थम पंचम स्कंध माते इति, षष्ठम कायत्यायनी चा, सप्तम कालरात्रि चा, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धदात्री, नव दुर्गा प्रकर्तिता, 9 माताओं का यदि आप उपासना करते हैं, मंगल का कार्य करते हैं और केसर का तिलक लगाते हैं, माँ को केसर का तिलक लगाएंगे तो आपके हर तरह से घर में धन धान की वृद्धि होगी और आनंद पूर्वक आपको मंगल मंगल कामनाओं के साथ में आपके आनंद की वर्षा होगी, धन की वर्षा होगी, संतान की वर्षा होगी, कारोबार में आपको लाभ होगा। इस प्रकार से माँ की जो उपासना करते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिनको मंत्र नहीं आता है, उनका जो भाव होता है, माँ भगवती भाव की भूखी होती हैं, आपके भाव से इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि वो असाध्य से भी साध्य कर देती हैं, जो आपको नहीं प्राप्त होना है वो भी आप अपनी साधना के बल से उनको प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ।